मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके स्पेशल शो, आपके चहेते शो संडे का फंडा में। और संडे का फंडा की इस लॉन्ग जर्नी में, जहाँ पर हमने आपको लैंडफिल, एनवायरनमेंट, हाईवे सारे टॉपिक्स बताए, आज हमारा अगला पड़ाव है जो अभी तक अनकवर्ड था, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर या रेलवे के ऊपर। तो रेलवे में आपने कोनिंग ऑफ व्हील सुना होगा, आपको प्रैक्टिकल इसको फील कराएंगे, बाद में उसका कॉन्सेप्ट आपको स्मार्ट बोर्ड पर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं रेलवे ट्रैक, और अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आगे जाके हल्का सा कर्व है, यहाँ पे इतना ज्यादा कर्व महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कर्व है जो इस तरीके से जा रहा है आपके पास। अब जब रेलवे के जो रेल के टायर होंगे, व्हील्स होंगे, उनका ओमेगा तो सेम रहता है, उनको घुमाने वाला शाफ्ट तो सेम रहता है, तो ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि कर्व पे आउटर जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो अंदर से व्हील जा रहा है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, क्योंकि रोटेशन सेम है, ओमेगा सेम है, तो कैसे ये पॉसिबल है वही सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों कोनिंग ऑफ व्हील, जिससे यह प्रूव होता है कि कैसे आउटर व्हील ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है विद सेम रोटेशन, वो तो मैं बता ही दूंगा। उससे पहले जोशी सर, आप सबके फेवरेट निंजा सर, आपको कुछ और चीज भी बताना चाहेंगे, तो कैमरा मैं पकड़ता हूँ, सर आप बता दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने रेलवे ट्रैक देखा, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं बताने को, बट मैंने बड़ी एक सिग्निफिकेंट चीज नोटिस करी, और वो है जो हमेशा हम वन रेल लेंथ की बात करते हैं, जो 12.8 मीटर होता है ब्रॉड गेज केस में, तो उसका जो जॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो सेम सेक्शन में आपको अलग अलग तरह से नजर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो जॉइंट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है, एक फिश प्लेट की मदद से जोड़ा गया है, करेक्ट। आप देख भी सकते हैं जॉइंट भी दिख रहा है और फिश प्लेट भी दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलूंगा तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमने वेल्ड भी किया हुआ है ट्रैक को, आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ वेल्ड भी नजर आएगा, तो ये उसमें भी दिखेगा। इवन आप पीछे वाले ट्रैक में देखोगे उसमें भी आपको नजर आएगा, दोनों के दोनों जो पटरियां हैं उन पे आपको वेल्डिंग क्लियरली नजर आ जाएगी। तो इसी तरह से जो है हम ज्वाइन करते हैं, कभी भी अगर हमें इतना लंबा ट्रैक बनाना है तो हम पूरा उतना लंबा रेल तो नहीं ला सकते, तो इसीलिए सारी रेल को जोड़ जोड़ करके हम बड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं। ये था मेरा छोटा सा ज्ञान, अब मैं लेके चलता हूँ सीधे अपने सर के पास और बात करते हैं उसके बारे में जिसके बारे में ये वीडियो एक्चुअल में है। तो उतर चुके हैं पटरी पर, आपको कोनिंग ऑफ व्हील दिखाने, कोनिंग ऑफ व्हील का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सबर रखिए, तब तक आप ये समझिए कि आपके पास एक ही व्हील का डायमीटर सेम नहीं होता है, डायमीटर धीरे धीरे करके वेरी होता है 1:20 के स्लोप में। तो आप देख सकते हैं ये व्हील, और अगर जूम करके हम आपको दिखाएंगे तो उधर का तरफ का आपको डायमीटर ज्यादा दिख रहा होगा, और जैसे जैसे टायर इधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो आपका डायमीटर कम होता रहेगा। अगर वो तो सेक्शन काट दिया, वो पूरा ही ऐसे आगे आता तो कोन बन जाता, तो हमको तो कोम नहीं फर्स्ट टाइम चाहिए था टायर में। तो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ को ज्यादा डायमीटर है, धीरे धीरे करके डायमीटर कम हो रहा है, ठीक है, वो कोनिकल शेप रहा होगा, लेकिन हाँ हमने उसको फर्स्ट टाइम बना दिया है काट कर। तो आप देख सकते होंगे अब ऐसा क्यों किया जाता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा स्मार्ट बोर्ड पर। स्मार्ट बोर्ड से पहले, आपके पास जो कोनिंग ऑफ व्हील होता है जिसमें डायमीटर चेंज होता है, तो जो रेलवे लाइन्स है ना, जो आप ये वाली रेलवे लाइन देख सकते हैं या वो रेलवे लाइन देख सकते हैं, वो भी सीधी नहीं होती है, वो भी फ्लैट स्लोप नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास कर्व इंक्लाइंड है तो रेल भी इंक्लाइंड होगी ताकि कांटेक्ट बना रहे, अदरवाइज टायर इंक्लाइंड हो गया, रेल इंक्लाइंड नहीं है तो गैप आ जाएगा ना, तो अगर टायर इंक्लाइंड है तो सेम वे में रेल भी इंक्लाइंड होगी ताकि प्रॉपर कांटेक्ट बन सके, और स्लीपर भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्लाइंड होंगे, उसका जीता जागता सपूत आप देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। रेल तो आप इतना छोटा सा अपना इंक्लिनेशन आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे वीडियो में, लेकिन जो स्लीपर देखिए, देखिए यहाँ पे इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है, और बीच में देखिए डेप्थ कम हो रही है क्योंकि वो स्लोप है, ठीक है। स्लीपर में भी स्लोप है और रेल भी एकदम सीधी नहीं है, स्लोप है, ताकि व्हील और रेलवे लाइन का कॉन्टेक्ट बन सके। तो दोस्तों थे हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली के, अब आ गया हूँ मैं स्टूडियो पर, और जानते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में और डिटेल में, या और इधर ब्लैक बोर्ड या क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। दोस्तों जब भी आपकी ट्रेन जा रही होगी, सपोज आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन इस तरीके से है, तो आपके पास ये है आउटर एज और ये है आपके पास इनर एज ऑफ रेल। तो आउटर एज आप देख सकते हैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और इनर एज से ये डिस्टेंस कम होगी और ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। लेकिन जो आपके पास व्हील्स घूमते हैं उनका ओमेगा तो सेम होता है, ओमेगा इज इक्वल टू सेम, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे वो इनसाइड हो, चाहे वो जो व्हील यहाँ से जाएगा चाहे वो जो व्हील यहाँ से जाएगा, ओमेगा सेम है, रोटेशन सेम है।
तो अगर रोटेशन सेम हुई तो भाई फिर ये ज़्यादा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर सकेगा यार, अगर ओमेगा सेम है तो ज़्यादा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर सकेगा, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराना है। तो इसी के लिए कोनिंग ऑफ व्हील का इफेक्ट लिया जाता है। कोनिंग ऑफ व्हील में आपके पास जो ये व्हील्स होते हैं इनका स्लोप होता है 1:20 के रेशियो में, ठीक है, और ये इनका डायमीटर चेंज होता रहता है। ये डायमीटर चेंज होने से कैसे फ़ायदा होगा उस कर्व ट्रैक में जाने में, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्लोप 1:20 होगा और नेकेड आई से हमको जो ये रेल्स होती हैं ये हमको एकदम फ्लैट दिखती हैं, लेकिन इनका स्लोप भी 1:20 होगा और नीचे जो स्लीपर्स हैं वो भी इंक्लाइंड होंगे, उनका भी स्लोप होगा कुछ। क्योंकि यदि स्लीपर का स्लोप नहीं है या रेल्स का स्लोप सपोज स्लोप नहीं है और व्हील्स का स्लोप है, तो व्हील्स तो स्लोप में और रेल सपोज सीधा है, या व्हील्स तो स्लोप में है और रेल सपोज सीधा है, तो उनके बीच में तो गैप रह जाएगा। तो अगर व्हील्स स्लोप में है तो रेल्स भी स्लोप में होगा ताकि वो कॉन्टैक्ट बना रहे, अदरवाइज सिर्फ व्हील स्लोप होने से और रेल स्लोप में होने से वो गैप आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको ये व्हील्स दिखाऊं, तो ये व्हील्स कुछ इस तरीके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा डायमीटर है और यहाँ पे आपके पास कम डायमीटर है, ठीक है, और अगर ये एक्सटेंड किए जाते होते ऐसे तो ये कोन बनाते, ठीक है, अभी तो फ्रस्टम है, अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करता तो ये कोन बनाते इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा हल्का सा फ्लेंज भी होता है, थोड़ा सा उठा हुआ सा, ताकि डीरेलमेंट ना हो, ऑल्दो वो फ्लेंज कभी रेल से चिपकना नहीं चाहिए, अदरवाइज लॉट ऑफ हीट एनर्जी या फ्रिक्शन लग जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर आपके पास एक उठा हुआ सा भी होता है स्लाइटली एज सा, ताकि डीरेलमेंट के समय वो उसको भार डीरेल होने से बचा सके। डायमीटर एक तरफ पे ज़्यादा होगा एक तरफ पे कम होगा, उसका इफेक्ट कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वापस से बोलता हूँ मैं, यहाँ वापस अपने प्रॉब्लम पर जाते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या था आपके पास कि आउटर एज है इनर एज है, आउटर एज में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है लेकिन ओमेगा सेम है, तो ओमेगा सेम है तो वेलोसिटी जो आपके पास होती है वो होती है ओमेगा आर। तो किसी तरीके से अगर ओमेगा सेम है तो अगर मैं आर चेंज करा दूँ, अगर मैं आर चेंज करा दूँ तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और मैं अगर यहाँ पे बड़ा आर रख दूँ, यहाँ पे बड़ा आर रख दूँ तो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कोनिंग हो रहा है व्हील का, स्लोप चेंज हो रहा है, तो अब देखिए आपके पास ये आउटर एज है, तो आउटर एज में देखिए बड़ा रेडियस आ गया, जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना ही देखना, अभी इधर रहने दो, ठीक है, वापस दिखा रहा हूँ। मेरे पास आउटर एज में देखो बड़ा रेडियस आ गया, तो बड़ा रेडियस होगा तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, हमारे पास है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो r बढ़ने से मेरा v बढ़ेगा, और यदि मेरे पास r कम होता है तो मेरे पास v भी कम होगा। ओमेगा लेकिन सेम है, ओमेगा आपके पास सेम होता है दोनों व्हील्स का, ठीक है। तो आप देखिए जैसे वो आउटर एज है तो आउटर एज में बड़ा r आ गया, तो बड़ा r आ गया तो v भी बड़ा हो जाएगा जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और अगर मैं इधर से देखूं, यहाँ से आपके पास इनर एज है, या आपके पास अगर मैं इस तरीके के कर्व की बात करूं, अभी आगे मत पहुंच जाओ, ट्रेन को आगे मत पहुंचाओ, ठीक है, अभी शुरुआत से बात करते हैं। अगर मैं इस तरीके के कर्व की बात करूं तो वहाँ पे कम है तो रेडियस भी कम हो गया, वहाँ पे डिस्टेंस कम करना है रेडियस भी कम हो गया, ठीक है। वापस चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आर बड़ा हो गया, तो आर बड़ा हो गया तो वेलोसिटी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पे, और यहाँ पे आपके पास आर कम हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके जब कर्वेचर चेंज होगा तो ये सारी चीज़ें वाइस वर्स हो जाएंगी, जैसे आगे जाके कर्वेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे बड़ा आउटर आ जा रहा है तो यहाँ पे फिर बड़ा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके पास, इसे कोनिंग ऑफ व्हील है, ये 1:20 का स्लोप है, ये देख सकते हैं आप व्हील, ये कोन के शेप का होता है, अगर इसमें पूरा आगे करता तो कोन आता है, तो फ्रस्टम है अभी, और यहाँ पर ऐसे आपके पास फ्लेंज भी होता है, ये फ्लेंज होता है ताकि डीरेलमेंट ना हो, जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ से वो टकर जाएगा ताकि उसका डीरेलमेंट ना हो पाए, तो ऐसा उठा हुआ सा होता है, ठीक है। ऑल्दो हम उसको कभी टच नहीं होने देते ताकि वहाँ पे लॉट ऑफ हीट या फ्रिक्शन एनर्जी ना निकल पाए। रेल्स भी हमारे पास स्लोप में होते हैं, अगर व्हील्स हमारे पास स्लोप में हैं तो करस्पॉन्डिंगली रेल्स भी आपके पास स्लोप में होंगे ताकि वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना सकें, अदरवाइज एक स्लोप में है एक स्लोप में नहीं है तो गैप आएगा, ठीक है, वो भी स्लोप में होगा रेल्स भी, और स्लीपर्स भी आपके पास स्लोप में होते हैं जैसे आपने वीडियो में देखा भी था। ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप सिविल बाय अभिनव सर पर और क्वेरीज के साथ। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा,
और मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही आफ्टर वन वीक बताऊंगा, तब तक आप सबका मेरे को ओपिनियन चाहिए होगा। कोनिंग ऑफ व्हील्स पढ़ते हैं हम। कोनिंग ऑफ व्हील्स में व्हील का डायमीटर, जो व्हील होता है उसका रेडियस हम कंटिन्यूसली चेंज कराते हैं 1:20 के स्लोप से। कार में सेम चीज़ तो कार में भी हो सकती है, तो कार में भी जब टर्न पे जाती है तो आउटर रेडियस ज़्यादा होगा या आउटर साइड से उसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो कार में क्या होगा, ओमेगा चेंज होता है क्या, आर चेंज होगा क्या किसी तरीके से, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हम हमेशा ट्रेन की बात करते हैं और हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि कार में भी तो जब कर्व पे जाएंगे तो एक को आउटर को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, एक को कम पर, वहाँ पे ओमेगा चेंज होगा, आर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, किस तरीके से वहाँ पे गाड़ी कहानी चलती है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच सेशंस। थैंक यू ऑल, टेक केयर।